हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। वेन एवर यू आर वॉचिंग माई चैनल, नमस्कार। आई एम आर के वर्मा एंड यू आर वॉचिंग द चैनल साइंस मैसेंजर। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज रिक्वायर्ड। द आंसर इज ऑफ वन लाइन, दैट इज फॉर ऑब्टेनिंग द प्योर फॉर्म ऑफ ए सबस्टेंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी मिक्सचर से उसके डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सीधा सा एक लाइन का आंसर है कि प्योर सबस्टेंस प्राप्त करने के लिए किसी भी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को अलग करना ज़रूरी होता है। तो हम लोअर क्लासेज में अपने पढ़ चुके हैं सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हमने पढ़ा है, मान लीजिए हमारे पास कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी बड़ी हो कि हम फिजिकली उसको सेपरेट कर सकें। तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट मेथड्स, जिसमें पहला पढ़ा है हैंड पिकिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हस्तचयन। मान लीजिए ये हमारे पास कोई अनाज है, ग्रेन्स हैं, और इसमें कंकड़ या पत्थर मिले हों, तो उसको हम हैंड पिकिंग अपने हाथों की सहायता से उठा करके इसको, बड़े पार्टिकल्स को, कंकड़ या स्टोन को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये है हैंड पिकिंग, मतलब अपने हाथों की सहायता से इम्प्योरिटी या किसी मिक्सचर के एक कंपोनेंट को अलग कर देना। तो ये हमारा ग्रेन के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। नंबर टू, इसको आप अपने लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। नंबर टू, विनोइंग। विनोइंग मीन्स होता है किसी भी कंपोनेंट के मिक्सचर को सेपरेट करना हवा की सहायता से। आप जानते होंगे ग्रेन प्लस हस्क, अनाज और भूसा आपस में मिला होता है, तो इसको हम विंड की सहायता से, चाहे हम यहाँ पर पंखा लगा दें, इधर हवा ब्लो करते हैं, और यहाँ से इसको ग्रेन और हस्क को धीरे धीरे गिराते हैं। तो चूंकि ग्रेन वजनी होता है तो ग्रेन यहीं इकट्ठा हो जाएगा, और भूसा हल्का होता है तो भूसा दूर जाके सेपरेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स बाय द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज विनोइंग। नंबर थ्री, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग में हम, जैसे हमारे पास है व्हीट, गेहूं के स्टेम से उसमें दाने लगे होते हैं, बालियां होती हैं, अनाज को अलग करना, ग्रेन को अलग करना, और किसकी सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ थ्रेसर। थ्रेसर एक मशीन होती है जिसकी सहायता से हम अनाज को उसके स्टेम से अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और नंबर चार हमने पढ़ा था सीविंग, इसको हिंदी में बोलते हैं चालन। सीव की सहायता से, आपने चलनी देखा होगा, इस तरह से ऐसे राउंड रहता है, इसके अंदर छोटे 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 छिद्र बने होते हैं, तो हम जैसे हम आटा चालते हैं, इसमें भर करके आटे को ऐसे हिलाएंगे तो आटे के जो फाइनर पार्टिकल हैं वो नीचे गिर जाएंगे और इम्प्योरिटी या हस्क इसी सीव के अंदर रह जाएगा। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है जिसे हम कहते हैं सीविंग। इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ सीव, सो इट इज़ नोन एज सीविंग। तो ये कुछ मेथड हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्लास है, इसमें हम पानी में घुला हुआ चाक है,
चाक पाउडर को हमने पानी में घोल दिया और थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये चाक पाउडर जो है यहाँ नीचे आकर के बैठ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जब कोई मिक्सचर अनडिस्टर्ब कंडीशन में कुछ देर के लिए रख दिया जाता है तो उसमें मिक्सचर का एक कंपोनेंट नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, और जो बैठ जाता है उसे बोलते हैं सेडिमेंट। अब इस सेडिमेंटेशन के बाद इसको हम टेढ़ा करके धीरे से वाटर को ऐसे ये सेडिमेंट नीचे रहेगा यहाँ पे बैठा रहेगा और यहाँ से वाटर को हम निकाल लेंगे। तो सेडिमेंट से वाटर को बाहर निकालना इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैंटेशन। सेडिमेंटेशन डीकैंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमें पढ़ना है अब नाइन्थ क्लास में आपका स्टार्ट है वहाँ से, तो उस प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन ऐसे मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज होता है जिसमें जिस मिक्सचर में एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिले हों। वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब ये पूरा है मिक्सचर और मिक्सचर कंटेन्स वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। ऐसा कंपोनेंट जिसको हीट करने पर अगर हम हीट करें तो ये वाइपर में बदल जाए और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो है इसको हीट करने पर वाइपर में नहीं बदले। तो जब हम मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर है इसको हम कर देंगे हीट लैंप की सहायता से, तो ये मिक्सचर है। अब इसमें जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वाइपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमारा ये कंटेनर के अंदर बचेगा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो इस तरह से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग करने का तरीका है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इन विच वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। इट इज डन बाय हीटिंग द मिक्सचर। व्हेन वी हीट द मिक्सचर देन वोलेटाइल कंपोनेंट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वाइपर्स एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रिमेन्स इन द कंटेनर। सो बोथ आर सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ इंक फ्रॉम वाटर। पानी में इंक घुला हो उस मिक्सचर को गर्म कर दीजिए तो पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, कंटेनर में हमें सिर्फ मिल जाएगा इंक। सॉल्ट एंड वाटर, अब इसमें वाटर है वोलेटाइल, इंक है नॉन वोलेटाइल। सॉल्ट एंड वाटर में वाटर वोलेटाइल, सॉल्ट है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल मटेरियल हमें कंटेनर में मिल जाएगा, वाटर वोलेटाइल कंडीशन में निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर आपस में मिला हो, गर्म कर दीजिए तो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, हमारा बच जाएगा शुगर। तो इवापोरेशन की सहायता से हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आपस में अगर मिले हों तो उस मिक्सचर से उनको अलग कर सकते हैं। तो बच्चों हमें सेपरेशन का नेक्स्ट मेथड पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या? इट इज़ डन बाई एन इंस्ट्रूमेंट। इट इज डन बाई एन इंस्ट्रूमेंट आर मशीन नेम्ड एज सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से किया जाता है।
ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होता कैसे है, ऐसे राउंड सा एक बना होता है, ये इसमें बर्तन होता है, यहाँ पर एक एक्सिस लगा होता है, इसके नीचे होता है मोटर और इसमें ऐसे ब्लेड लगे होते हैं और इसमें मटेरियल को भर करके बहुत तेज़ी से इसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। तो ये बेस किस पे होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रैपिडली। जब इसको तेज़ी से घुमाते हैं तो इसमें जो हेवी पार्टिकल, डेंसर माने होता है हेवी, वो यहाँ पर बॉटम पोर्शन पर, इसके बॉटम में, यहाँ बॉटम में रुक जाते हैं चूँकि हेवी होते हैं, और लाइटर पार्टिकल जो होते हैं यहाँ इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, और लाइटर पार्टिकल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो डेंसर पार्टिकल हमारा कंटेनर में रह जाता है, लाइटर पार्टिकल हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम निकालते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं, वो इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज है मेडिकल में, मेडिकल में इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, यूरिन टेस्टिंग में, यूरिन के सैंपल से डिफरेंट मटेरियल को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में, ब्लड टेस्टिंग में यूज किया जाता है, घरों में बटर को मिल्क से अलग करने के लिए किया जाता है या क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है, वॉशिंग मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है, वॉशिंग मशीन फॉर स्क्वीजिंग आउट द वाटर फ्रॉम बेड क्लोथ्स, भीगे हुए कपड़ों से पानी को बाहर निकालने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है सेपरेटिंग फनल मेथड। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। सबसे खास बात है इमिसिबल यदि हमारे पास मिक्सचर में दो ऐसे लिक्विड हों जो आपस में इमिसिबल हों, जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को आपस में मिलाएंगे तो तेल में पानी कभी मिलता नहीं, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, मतलब ऑयल हल्का होता है वाटर से, इसलिए वाटर के ऊपर लेयर बना लेता है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वाटर नीचे रिटेन करता है। तो when two immiscible liquids are mixed together then the separating funnel method is used for their separation and immiscible liquids are set according to their density। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर लेयर बनाता है, जिसकी डेंसिटी कम ज़्यादा होती है वो नीचे की लेयर में होता है। तो देखिए इसमें करते क्या है, यहाँ पर हम, ये हमारे पास कंटेनर है, ये स्टॉप कॉक है, स्टॉपर लगा हुआ है, इस स्टॉपर को हम खोलेंगे तो ये जो वाटर है हमारा ये धीरे 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 नीचे आएगा, जैसे ही वाटर की ये लेयर यहाँ पर पहुँचेगी स्टॉप कॉक को हम बंद कर देंगे तो इस फनल के अंदर आयल बचेगा, वाटर नीचे आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी दो लिक्विड हो इमिसिबल उनको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है। एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर एंड नंबर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स स्लैग। किसी भी ओर से जब मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं स्लैग्स। तो स्लैग हल्की होती है तो स्लैग की लेयर यहाँ पर बनेगी, आयरन हैवी होता है उसकी लेयर यहाँ पर, तो स्टॉप कॉक की सहायता से लिक्विड आयरन को हम यहाँ से निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट सेपरेशन प्रोसेस इज सब्लिमेशन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन ए मिक्सचर कंटेन्स टू कंपोनेंट्स एंड वन ऑफ देम इज सब्लाइमेबल मटेरियल. सब्लाइमेबल 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 मीन्स मटेरियल विच इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू गैस ऑन हीटिंग विदाउट चेंजिंग इंटू लिक्विड. कहने का मतलब हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सबस्टेंस है ए, इसको हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट ये सॉलिड है और सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में बदल जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए. तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सब्लाइमेबल मटेरियल और प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इंटू गैस विदाउट चेंजिंग इंटू लिक्विड स्टेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नोन एज सब्लिमेशन. एंड मटेरियल्स विच अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन आर नोन एज सब्लाइमेबल मटेरियल. तो हमारे पास कोई मान लीजिए मिक्सचर है, ये मिक्सचर कंटेन करता है दो कंपोनेंट ए प्लस बी, एक इसमें से सब्लाइमेबल है दूसरा नॉन सब्लाइमेबल. एक सब्लाइमेबल दूसरा नॉन सब्लाइमेबल. तो हम इसको किसी भी कंटेनर में रख करके जब हीट करेंगे तो सब्लाइमेबल मटेरियल जो है ये डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा और गैस में बदल कर ये बाहर निकल जाएगा और कंटेनर में हमारा बचेगा बी. तो इस तरह से सब्लाइमेबल ए और नॉन सब्लाइमेबल बी सेपरेट कर लिए जाते हैं. एग्जांपल है इसका, बेस्ट एग्जांपल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैम्फर. कैम्फर मीन्स होता है कपूर. घरों में आप पूजा करने के लिए देखते होंगे व्हाइट कलर का सॉलिड मटेरियल आता है जिसको हम आरती करते समय थाली में जलाते हैं तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए. तो कैम्फर एक सब्लाइमेबल मटेरियल है. कैम्फर जब किसी दूसरे मटेरियल में मिला होता है जो नॉन सब्लाइमेबल है तो हम हीट करेंगे तो कैम्फर गैसियस फॉर्म में अलग हो जाएगा और उस कंटेनर में बचेगा केवल नॉन सब्लाइमेबल मटेरियल. कैम्फर, बेंजोइक एसिड, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं. कैम्फर, बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन बाल, नैप्थलीन बाल्स. नैप्थलीन बाल्स आप देखे होंगे कपड़ों में, हम छोटे छोटे सफ़ेद कलर की गोलियां रखते हैं छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए ताकि वो हमारे कपड़े को काटे ना, उसी को हम कहते हैं नैप्थलीन बाल. आप कुछ दिन के बाद देखेंगे वो नैप्थलीन बाल गायब हो जाती है. क्यों? रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल कर ख़त्म हो जाती है. तो कैम्फर, बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन बाल, अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि सब्लाइमेबल हैं या इनको हम कहते हैं सब्लाइम मटेरियल्स. सब्लाइम मटेरियल के दो और एग्जांपल हैं जो पूछे भी जाते हैं, उसमें है आयोडीन एंड एंथ्रासीन. ये दो और मटेरियल हैं जो कि सब्लाइम मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट सेपरेशन मेथड इज क्रोमैटोग्राफी. क्रोमा इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलर. तो व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? इट इज ए टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स विच आर डिजॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट. दोज सॉल्यूट्स स्पेशली इसमें सॉल्यूट्स होते हैं कलर या पिगमेंट. पिगमेंट मीन्स भी होता है कलर. तो ये टेक्निक डिफरेंट टाइप के कलर्स या पिगमेंट को
एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, ऐसे कलर या पिगमेंट जो सेम टाइप के सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। जैसे एक सॉल्वेंट है वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसमें मान लीजिए दो कलर हैं जो कि डिजॉल्व हैं, तो इन दोनों को ऐसे कलर या पिगमेंट जो सेम टाइप के सेम सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हैं उनको अलग अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज किया जाता है। स्पेशली डिफरेंट टाइप की डाइज हैं, कलर हैं, पिगमेंट हैं, उनको अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ये किस तरह से हेल्पफुल है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल अलग अलग कलर सेम टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व तो होते हैं लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। डिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, मतलब मान लीजिए इसमें ए और बी दो कंपोनेंट हैं, दो कलर हैं, दो पिगमेंट हैं, तो दोनों की बेशक है कि दोनों इसमें डिजॉल्व हैं लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, कोई ज़्यादा सॉल्युबल होगा कोई कम। तो इसका एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, देखिए ये एक पूरा जार है, ये बर्तन, इसको हम कहते हैं जार, और इसमें हमने नीचे रखा है देखिए वाटर, ये है हमारा सॉल्वेंट, और ये देखिए ये पट्टी, ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के स्ट्रिप काट लेते हैं, और इसमें बॉटम एंड पर हम इंक या डाई या पिगमेंट का एक छोटा सा ड्रॉप स्पॉट के रूप में यहाँ पर लगा देते हैं। हमारा जो कलर का मिक्सचर है या पिगमेंट का मिक्सचर है उसका यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप टाइप यहाँ पर लगा देते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को यहाँ पर फिक्स करने के लिए पेपर क्लिप लगी है दोनों तरफ से देखिए, ताकि ये इधर उधर ना जाए। अब जैसे हम इसको इस फिल्टर पेपर के स्ट्रिप को यहाँ सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो ये पानी जो सॉल्वेंट है ये यहाँ पर जो पिगमेंट का मिक्सचर है, मान लीजिए दो पिगमेंट हैं ए प्लस बी, इसको अपने में घोलेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो तेज़ी से इसमें घुलेगा और ये मूव करेगा स्ट्रिप पर कैपिलरिटी एक्शन से ऊपर की तरफ, तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो कलर कहीं यहाँ आकर के रुकेगा और जो कम सॉल्युबल होगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो दोनों पिगमेंट अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पर एक पिगमेंट, यहाँ पर दूसरा पिगमेंट, तो ये होगा हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल पिगमेंट और कलर, और ये होगा लेस सॉल्युबल पिगमेंट और कलर, लेस सॉल्युबल पिगमेंट। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो वाटर के साथ फिल्टर पेपर स्ट्रिप पर तेज़ी से ऊपर चढ़ता जाएगा। तो हाईएस्ट पोजीशन का, अगर कोई पूछे कि मान लीजिए हमारे पास तीन पिगमेंट हैं तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर कौन सा पिगमेंट पेपर स्ट्रिप पर आएगा फिल्टर पेपर पर, तो वो जो कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तीन पिगमेंट हैं ए बी सी, ये इस तरह से अरेंज हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इस दिए गए सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो जो सबसे ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब इसके यूजेज, दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर टू, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स मीन्स कलर्स, पिगमेंट्स, डाइज और कलर्स। तो डिफरेंट टाइप के कलर, पिगमेंट और डाइज को अलग करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। नेचुरल कलर्स, मान लीजिए हमारे पास फ्लावर के पेटल्स हैं, उससे हमें नेचुरल कलर निकालना है, वायलेट, पिंक,
येलो, तो भी इसी मेथड के द्वारा निकाले जाते हैं। कलर मीन्स नेचुरल कलर से हम कोई भी कलर इस मेथड की सहायता से सेपरेट कर सकते हैं।